सुखाड़ से यहाँ के किसान तबाह हैं, कुछ इलाके के लोग बाढ़ से, कुछ इलाके के सुखाड़ से। सरकार की घोषणा के अलावे उनकी कोई सहायता नहीं है। अब पटना में तो सब बेड भर गया डेंगू से, कोई डेंगू के रोकने का सरकार की तरफ से कोई उपाय नहीं है, न उसका व्यवस्था है, न इलाज है, बेड नहीं है अस्पतालों में, जमीन पर सुता देता है। फिर इधर राजनीतिक द्वेष से बदला लेने का मामला इनका कम नहीं हो रहा। सब लोग सुनते हैं, आश्चर्य करते हैं कि आज सात आठ मामले लालू जी पर चल रहे हैं। एक मामला में 3.5 बरिस का, उसका बढ़ाने के लिए सरकार ने अपील किया, कितना प्रतिशोध की भावना। 3.5 बरिस सजाओ, 5 बरिस सजाओ, 7 बरिस सजाओ, उससे संतोष नहीं है। 3.5 बरिस की अपील इन्होंने किया है ऊपर के कोर्ट में, ये इसको बढ़ना चाहिए। नंबर एक, बदले की पॉलिटिकल वेंडेटा से काम हो रहा है, उसका मैं सबूत दे रहा हूँ। फिर इनके परिजन के विरुद्ध सब मामले, चिदंबरम पर मामला, फिर कर्नाटक मंत्री शिव कुमार पर कार्रवाई, श्री शरद पवार उनके विरुद्ध भी मामला अब शुरू कर दिया, उनका अब पूछताछ करेगा है ईडी वाला। मुलायम मायावती मुलायम परिवार पर सब मामले, माने विपक्ष को निशाना बनाया जा रहा है प्रतिशोध की भावना से। केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी जी, सभी विपक्षी नेताओं को अपना ईडी आईटी सीबीआई लगा करके कोई ना कोई परेशानी में डालने का से ही बाज नहीं आ रहे। बैंकों का बुरा हाल है, पीएमसी पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक में ऐलान किया है कि जो जिनका पैसा जमा है वो 6 महीना में 1,000 निकाल सकते हैं। बैंकों की विश्वसनीयता खत्म हो रही, लोग अपना पेट काट कर भी पैसा जमा करते थे बैंक में, जब कभी हमको जरूरत होगी बैंक से पैसा निकाल ले, अगर नहीं 6 महीना में 1,000 निकाल सकते। कर्जा हो गया एक आदमी पर लगभग 25,000 का कर्जा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से भी 2.25 लाख नहीं, 1.76 लाख करोड़ इन्होंने निकाला। ये पैसे सब कहाँ चले गए, ये मैं खोज रहा हूँ। ये सब पैसे जमा हुए कहाँ गए, कहाँ गायब किया नरेंद्र मोदी जी। और खजाना खाली दिखा करके ये मनमानी टैक्स वसूल कर रहे हैं, ट्रैफिक रूल पे मनमानी टैक्स देश भर में, कई राज्यों ने नहीं माना लेकिन यहाँ के राज्य सोझे स्वीकार कर लिया। भारत सरकार के बुझाता है से राज्य सरकार कर्मचारी है, जो हुकुम दिया से सब वसूली हो रही है यहाँ सब जगह। हम यह जानना चाहते हैं कि प्रदूषण वाला सर्टिफिकेट ले लेने से प्रदूषण खत्म हो गया, गया वहाँ लाइन लगा हुआ है सर्टिफिकेट लेने के लिए, 80 की 82 रुपया जमा करिए मिल जाएगा। के जांच करता है, देखता है प्रदूषण गाड़ी की, केवल सर्टिफिकेट ले रहा है, सरकार के खजाना में पैसा जा रहा है लेकिन प्रदूषण में कोई कमी नहीं है, नियम कायदा का कहीं कोई पालन करने के लिए नहीं, और टूली के लिए ये चार्ज लगा रहे हैं, कोई कोई मोटरसाइकिल में आग लगा दिया, 5-10 हज़ार के है या 30-35 हज़ार उसको टैक्स से लग गया, तो छोड़ कर चल, ये हालत है। बेरोजगारी में 50 वर्षों में इतनी बेरोजगारी कभी वृद्धि नहीं हुई जितनी बेरोजगारी बढ़ी, और बेरोजगारी है इसलिए गरीबी है, बेरोजगारी खत्म हो जाए गरीबी खत्म हो जाए। लेकिन इस पर सरकार का कारखाने बंद होने लगे हैं, 3 से 4 लाख लोगों की छटनी हो गई, कारोबार ठप हो गया, रोना धोना हो रहा है। अडानी अंबानी की संपत्ति में वृद्धि हुई, फिर वो नंबर 1 पर है अंबानी, लेकिन आम लोग तबाह हो गए हैं। मंदी से मुकाबला के लिए सरकार ने ऐलान किया कि कॉरपोरेट टैक्स के हम 35% से 22 कर दिए, 30 से 22 कर दिए, उससे बड़े लोगों को लाभ हुआ है, आम आदमी